राम भाइयों, क्या हाल चाल? होकर तो सब कुछ बढ़िया हो। और ये व्लॉग है इसकी हिमालयन की फर्स्ट सर्विस का। आज इसकी फर्स्ट सर्विस है और मैं घर से व्लॉग शूट नहीं कर पाया, जल्दबाजी में भूल गया, निकल गया, लेट हो गया था। तो अभी ये चल चुकी है, कुछ दिखाता हूँ मीटर ऑन होने दो। ये चल चुकी है 460 किलोमीटर, ठीक है। और सर्विस का साइन भी आ गया। थोड़ा सा फ्यूल का मेरे को इशू आ रहा है कि मतलब सही से मीटर काम नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल के लिए। तो अभी इसमें जो दिक्कतें हैं उसके बारे में बात करेंगे जो मुझे अभी फेस हुई। देखो, डिलीवरी ली थी तो उस टाइम मैं चेक कर नहीं पाया सही से। दो तीन दिक्कतें अभी हैं इसमें, देखते हैं वो सॉल्व होता है कि नहीं होता। पहला ये कि ये जो बाइक है वो सही से नहीं चल रही है, अगर मैं छोड़ रहा हूँ हाथ चेक करने के लिए, क्योंकि मेरे को हाथ भारी लग रहा था अपना चलाते हुए। तो ये राइट साइड पर जा रही है, हैंडल छोड़ते सीधी नहीं चल रही, राइट को भाग रही है, ठीक है। पहला इशू। दूसरा, इसमें मुझे लगता है हैंडल हल्का सा टेढ़ा है, जो कि मुझे फील होता है चलाते हुए। अभी जैसे मैं इसको, ये लाइन है, ऐसे रखता हूँ तो ये ना फ्रंट से देखो हल्की सी टेढ़ी है, हैंडल इधर की तरफ है। तो ये एक इशू मैंने बताया है उनको। एंड थर्ड, फ्यूल का। फुल रहेगा तो काम करता है, पर जैसे हाफ हो जाता है तो ये बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। देखो ये इतना दिखा रहा है, ठीक है, जबकि इसमें आधे से ज़्यादा फ्यूल है अभी। तो फ्यूल का एक इशू है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो अभी मैनेज करवाएंगे। अभी ट्रेन है बैकग्राउंड में, देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं। और बाकी अभी फर्स्ट सर्विस है, नंबर प्लेट आ चुकी है, जैसा भी होगा, क्या बिल आता है क्या नहीं आता वो बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अरे भाई आ चुके हैं यहाँ पे। तो आज का सीन देखते हैं क्या व्लॉग है, क्या है फर्स्ट सर्विस में कितनी कॉस्ट आती है, वो सब मैं आपको यहीं पे बता दूंगा आज के आज ही। बाकी जो दिक्कतें हैं वो ये हैं, अगर सॉल्व होती ठीक है तो फिर गांड मारी जाएगी इन लोगों की। ये हमारे नए सब्सक्राइबर भाई लोग आ गए यहाँ पे, भाई को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और आज हम पहला व्लॉग इसी का शूट करेंगे और भाई को चैनल भी सब्सक्राइब करवाएंगे। सर्च कर लो यार भाई, जिम करो, GYM GYM KR KR OO Space Vlogs VLO Not B Vlog 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 डाल Vlog भाई मैं सर से मारता हूँ फटाफट। बेइज्जती हो रही है तेरी इस फोन में, हाले गाली हो। अभी नया चैनल स्टार्ट किया भाई, ये भाई बहुत एक्साइटेड है, मैं इससे बाद में मिलूंगा जैसे मेरे 1000 कंप्लीट हो जाएंगे, इस भाई को पार्टी दूंगा। पक्की बात ना भाई, पक्की बात। बिल्कुल भाई यही मिलूंगा यार, 1000 पे यही मिलूंगा। हाँ, 1000 1000 में मिलेंगे। तो अभी आज के ब्लॉग में ये कि पहले सर्विस करते क्या कॉस्ट आता है, और इसका भी नाम भी नहीं रखा, इसका नाम भी रखना। नाम क्या रखूँगा यार, इसका नाम नहीं रखा मैंने अभी तक भाई। इसका नाम रखो, नाम बताइए भाई, इसका नाम क्या रखना है? नाम मैं बहुत दिन सोचा, सही करता होगा सोचते सोचते मेरे को। भाई कमेंट में बता दो नाम क्या रखना है। हाँ नाम बता दो यार, कोई तो बता दो नाम। पहली वाले का नाम रज्जो था, इसका क्या बुलबुल रख दें? बुलबुल रख दूं? बुलबुल ही बढ़िया है, रख दो बुलबुल। बुलबुल ही भाई, चलो ठीक है, बुलबुल है, ठीक है भाई। अभी मिलता हूँ मैं तुमसे, जरा सर्विस सेंटर पहुँच जाऊँ मैं। तो ये है भाई अपना आज का व्लॉग, और ये भाई लोग हैं अपने नए दोस्त लोग, यहीं से अपन शुरुआत करेंगे। 1000 कंप्लीट होंगे फिर भाई दोबारा मिलेंगे, 2000 होंगे तो भाई से पार्टी कर लेंगे, ठीक है। हाँ भाई ये वही बात, ठीक है भाई। भाई सब्सक्राइब कर दो सारे भाई को। 2000 में पार्टी है भाई, भाई की पार्टी हो जाएगी, अपनी भी पार्टी हो जाएगी, और इसकी तो पार्टी करवानी ही है, ठीक है। लस्सी सर्विस के बाद देखते हैं कहाँ पे हम ट्रिप बनाते हैं, ट्रिप पे भी घूम के आएंगे, और फिर 2000 होंगे तो भाई से दोबारा मिलूंगा। भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, 2000 पे पार्टी कर लेंगे हम चारों, कोई दिक्कत नहीं। सेम इंस्टाग्राम पे भी नाम है मेरा, जिम करो। हाँ जी, जिम YMKROO, ये तो नंबर वन पे आ जाएगा मेरा, ये रहा सबसे ऊपर, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं जल्दी, ठीक है। आज के व्लॉग में यही सब कुछ देखते हैं। सही यार, कोई खुश है और क्या चाहिए। सर्विस सेंटर पहुंच गए, ये खड़ी अपनी हिमालयन, नंबर लग चुका है, नंबर है अपना इस पर 15 और रॉयल एनफील्ड अंजुली मोटर्स। अभी
देखते हैं यार क्या सीन है, कितना बिल आएगा। तो बिल तो मेरे को लग रहा है अच्छा खासा आ जाएगा फर्स्ट सर्विस है। बिल क्या आएगा क्या नहीं आएगा मुझे भी नहीं पता, जो भी आए बस कम आए और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए तो अच्छा है, वरना बॉडी तो बना ही रहे। भाई जॉब कार्ड मुझे हो एक एक करके अभी क्या होगा कि जॉब कार्ड बन जाए सारी मुसीबतें लिखवा दें एक बार इसके, फिर देखते हैं सॉल्व हो गया नहीं। इसमें जो छोटी मोटी चीज़ें देख रहा ना ये गंदगी ये सारी साफ कर। चलो भाई तो मेरी यार इसमें जो भी करवा हो चेंज करवा दो यार, लुब्रिकेंट लगवा दे। पर एक चीज़ बढ़िया है कि 250 रुपये लुब्रिकेंट के मांग रहे हैं पर उसके बदले मुझे 6,000 किलोमीटर तक की वारंटी दे रहे हैं चैन सेट की, अगर कुछ भी खराबी होती है कुछ भी दिक्कत आती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होगा। ठीक है 250 रुपये दे देंगे भाई और बोलो उसके नाम पे भी कि वो चैन सेट का पैसा बच जाएगा मेरा अगर कुछ दिक्कत होती है। क्या था हम दिखा रहे हैं ये भाई करते हैं वॉश और यही करेंगे मेरी, इन्होंने मेरी रज्जो भी की थी और अब ये करेंगे मेरी ये वाली बाइक। ओह माय गॉड मैं कितना ज़्यादा फेमस हो गया हूँ ना। ये वर्कशॉप अंदर से, बाकी देखो क्या होता है अभी, जब अपनी बाइक लगेगी तब बात बनेगी, फिलहाल तो अभी ये सब हो रहे हैं। लंच टाइम हो गया और लंच टाइम अभी तक वॉश भी नहीं हुई, लंच टाइम हो गया, लंच टाइम खत्म होगा उसके बाद जाके फिर वॉश वगैरह होगी। चलो देखते हैं कब तक मेरी बाइक आके लगती है इस पे। भानु भाई करेंगे सर्विस, भानु भाई यही खड़ी है पीछे, धोई भी नहीं है अभी तो, कोई नहीं चलो तो हो जाए जो होना है। पानू में बढ़िया बंदे यार फटाफट समझ गए। ये सामने खड़ी हमारी हिमालयन हिमालयन पानू भाई लेंगे पहले टेस्ट ड्राइव, ये बहुत अच्छा है एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा है। हाँ भाई कोशिश कर रहा हूँ ब्लॉगर बनने की, बन जाऊँगा। पानू भाई जा रहे हैं बाइक की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, आने का पानू भाई थोड़ा सा और हिमालयन अब लग गई है सर्विस के लिए और ज़्यादा देर तक यहाँ खड़े हो तो वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे फिर क्या काम करने में इनको दिक्कत आएगी। और लेट्स सी देखते हैं जो भी होगा बेस्ट से बेस्ट रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे और सर्विस का बिल कितना आएगा वो भी देख रहे हैं। तो फर्स्ट सर्विस का जो भी बिल आता है हिमालयन लेने वालों को मैं भी बता दूंगा अगर कोई प्लान कर रहा है तो। बानु भाई फ्यूल का चेक कर रहे हैं, फ्यूल का ड्रामा क्या है चला आधे ज़्यादा फ्यूल है देखो क्या होता है। वेज फ्राइड राइस इससे काम चलना पड़ेगा।
अपनी लाइनें लगी पड़ी है यहाँ पे, अपनी इधर लगी पड़ी है। फ्यूल का सबसे मीटर खराब है कह रहे हैं, लेट चेक करते हैं क्या हो सकता है। अभी गैस सर्विस हो चुकी है और जो मेरे इश्यूज थे वो भी सॉल्व हो गए हैं, बट अभी जो दिक्कत आ रही है मेन एक रह गया मेरा मेजर इशू फ्यूल का, कि फ्यूल सही से वो बता नहीं रहा कि कितना है कितना नहीं है। तो वो इन्होंने नया सेंसर भी डाल के देख लिया, उससे भी बात नहीं बनी, और कह रहे हैं मीटर में कुछ इशू है, तो मीटर ऑर्डर कर दिया है, मीटर आने में 10 दिन लगेंगे, उसमें तो मीटर वाली कहानी रह गई, बाकी सब सॉल्व हो गया। हैंडल का आवाज़ ठीक हो गया, हैंडल राइट साइड जो भाग रहा था वो भी ठीक हो गया, और मतलब काम सारे हो गए, बस एक कुछ हो गया। और अभी वॉशिंग चल रही है इस तरीके से, अभी चल गई पूरी वॉशिंग, साफ सफाई, वॉशिंग हो जाएगी 5-10 मिनट में, उसका फिर बिलिंग वगैरह कराएंगे, बिलिंग वगैरह करा के फिर देखते हैं बिल कितने का आया है इसका। फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट क्या आती है हिमालयन की, वो आपको इस ब्लॉग में फाइनली पता चल जाएगा। बिल आ चुका घर आ गए हैं बिलेरा, और हमारा जो बिल आया है सर्विस का, फर्स्ट सर्विस का और हिमालयन का, वो है ये। तो 2600 का बिल आया कैसे है मैं वो बताता हूँ। देखो फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट इन्होंने मुझे बताई है 1530.56 रुपये, ये जिसमें कि मेरा डला है आपका इंजन ऑयल 702 रुपये का, ऑयल फिल्टर एलिमेंट 110 रुपये का, चेन क्लीनजर, हाँ चेन क्लीनजर 274 रुपये का, फिर यहाँ पे कंज्यूमर चार्ज 118 रुपये लिए हैं, फिर फर्स्ट सर्विस कूपन ही तो 00 हो गया, फ्रंट एंड रियर के ओवर हाउलिंग बेसिकली इसमें ग्रीसिंग होती है फ्रंट कैलिपर की और रियर कैलिपर की दोनों की, उसके 325 रुपये लगाए हैं, ये करते ही हैं तो चाहे मना करो चाहे कुछ भी करो, तो इसका बिल बना 1530 रुपये। अब 2600 रुपये इन्होंने क्यों लिए हैं वो बताता हूँ। 2600 रुपये लिए कारण ये था, इन्होंने कहा मेरे पास एक ऑफ़र है अभी, अगर अभी आप लेते हैं इसको तो अगर मैं 2600 रुपये पे करता हूँ तो मुझे जो नेक्स्ट सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी, उसमें कोई भी 1 रुपये चार्ज नहीं देना। अगर डिस्क जो अपनी ब्रेक है डिस्क ब्रेक उसके अगर डिस्पैक खत्म होते हैं तो उसके पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज 1 रुपये नहीं देने। तो ठीक है, क्योंकि देखो नेक्स्ट सर्विस में भी बिल इतने का ही बनेगा 1500-1600 रुपये का, तो एटलीस्ट अभी 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे के और मेरी नेक्स्ट सर्विस फ्री हो जाएगी, तो 500-800 रुपये तो बची रहे हैं, तो मैंने वो पे कर दिया, तो इसलिए मैंने 2600 का बिल बनाया है। और जो भी अभी हिमालय लेने का प्लान कर रहे हैं तो यार एवरेज तो अभी मैं एवरेज का वीडियो डाल दूंगा, अगली वीडियो एवरेज की आई कितनी एवरेज दे रही है, और जो भी हिमालय लेने का प्लान कर रहे हैं जो नई वाली आ रही है वो भी काफ़ी अच्छी बता रहे हैं, बट उसका लुक मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है, तो जो ये हिमालय मुझे ज़्यादा पसंद है। तो अगर जो भी लेने का प्लान कर रहे हैं तो फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट ये आती है, सेकेंड सर्विस की कॉस्ट जो आएगी तो मेरी फ्री है पर बिल भी बनेगा, तो मैं आपको बिल दिखा दूँगा कि क्या आता है, ठीक है। एंड इसका पूरा एक वीडियो डिटेल वीडियो आने वाला है कि क्या हिमालयन लेनी चाहिए क्लासिक हटा कर, क्लासिक को छोड़ कर जिसके पास क्लासिक है, क्या आप अपग्रेड करें या ना करें, तो ये नेक्स्ट वीडियो में बने रहो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी एक्सप्लेन कर दूँगा। और ये देखो अपनी पढ़ाई छोड़ के मेरे पीछे घूम रहा है, जा चलो ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप करता हूँ वीडियो पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना वीडियो के अंदर, तब के लिए मिलते हैं बाद में, जय श्री राम।